नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जो तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों की खबर का। देश में एक और जहां कोरोना के संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में मौत की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। इन सबके बीच तीसरे वेव का खतरा भी बना हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार अभी से तीसरे वेव से देश और जनता दोनों को बचाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इन सबके बीच कोरोना मरीजों के लिए एक खतरा और सामने खड़ा हो गया है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि समय पर इसका इलाज न होने पर मरीज की आंख निकालनी पड़ती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इस नई बीमारी का नाम माइकोसिस बताया जा रहा है। कोरोना के बाद मरीजों में मिकोर माइकोसिस का खतरा इतना बढ़ गया है कि मरीजों की मौत तो हो जा रही है। वहीं कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। मरीजों को न तो बेड मिल रहा है और न ही ऑक्सीजन। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके चलते कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दे रहे हैं। इसी बीच अब लोगों को नई बीमारी ने अपनी चपेट में लेना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि मिकोर माइकोसिस का पहला मामला सूरत में मिला है और मिकोर माइकोसिस से पीड़ित आठ मरीजों की आंखें निकाली पड़ी है। सूरत में 15 दिनों के अंदर ऐसे 40 से अधिक केस सामने आए हैं। दिल्ली भी मिकोर माइकोसिस बीमारी की चपेट में आ गया है। सर गंगाराम अस्पताल में कोविड-19 से होने वाले इस खतरनाक फंगल संक्रमण के मामलों में फिर से वृद्धि भी देखने को मिली है। बीते 2 दिनों में मिकोर माइकोसिस से पीड़ित 6 रोगियों को भर्ती भी किया गया है। बीते साल इस घातक संक्रमण में मृत्यु दर काफी अधिक थी और इससे पीड़ित कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी तथा नाक और जबड़े की हड्डी गल गई थी। एचएम ने इस बीमारी और फंगल इंफेक्शन को लेकर आयुर्वेद के मशहूर डॉक्टर महेश सांगवी से बात की है। उन्हीं के जवाबों से जानिए मिकोर माइकोसिस के बारे में सब कुछ। क्या है मिकोर माइकोसिस? आंख की नसों के पास में फंगस जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इससे आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। क्या होता है मिकोर माइकोसिस? कोरोना में दिए जाने वाले स्टेरॉइड इम्यूनिटी को और भी कम कर देते हैं। ऐसे में दवा का साइड इफेक्ट होने लगता है और व्यक्ति को मिकोर माइकोसिस हो जाता है। क्या है लक्षण? नाक खुशक होती है, नाक की परत अंदर से सूखने लगती है और सूनी हो जाती है। चेहरे और तलवे की त्वचा सूनी हो जाती है, चेहरे पर सूजन आती है, दांत ढीले पड़ते हैं। क्या होता है इलाज? इस फंगस और इंफेक्शन को रोकने के लिए एकमात्र इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी आता है। कीमत 5,000 रुपए है, मरीज को 6 लगते हैं। यदि इंफेक्शन बढ़ जाए तो पहले ऑपरेशन कर नाक आंख के बीच के गले हुए हिस्से को निकाला जाता है और फिर दवाएं चलती हैं। ऑपरेशन भी काफी जटिल होता है। आइए जानते हैं खतरा। 7 से 8 दिन में ही इलाज न हो और फंगस न निकाला जाए तो ब्रेन तक फंगस इंफेक्शन फैलना तय है। इसके बाद व्यक्ति को बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्या है बचाव? बचाव कम से कम 4 से 5 दिन बाद डायबिटीज पेशेंट का फीडबैक लेकर संतुलित मात्रा में स्टेरॉइड देने चाहिए। शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो महाराज की खास खबरों के लिए बड़ी खबरों की खबर। तब तक नमस्कार।